नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के इस दिशा निर्देशन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि यह कार्यक्रम जो है हम टीसैट माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि किसी कारणवश इसे आप लाइव नहीं देख पाए हैं तो आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और एक मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, हिंदी में यह कार्यक्रम केवल और केवल टीसैट के माध्यम से ही बताया जा रहा है, इसलिए न होते हुए भी सबसे पहले तो हिंदी छात्रों के सामने एक तो पाठ्यक्रम की समस्या होती है और उससे संबंधित जो पढ़ने के लिए सामग्री होती है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण जितना संभव हो सके वह प्रामाणिक रूप से यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है। जो त्रुटियाँ होंगी वर्तनी की या फिर टंकण की जो त्रुटियाँ होंगी उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप सभी को माफ़ी चाहता हूँ और सुझाव आपसे सादर आमंत्रित होंगे। इससे पहले वाली कड़ी में हम लोगों ने भाषा शिक्षण के भाषा कौशलों पर हमने विचार किया था, मतलब शिक्षण में भाषा कौशलों का महत्व। इसके पहले भाग में हमने लगभग आधे चैप्टर का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें खासकर वाचन और श्रवण यानी बोलना और सुनना, इन दोनों विषयों पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज इस अगली कड़ी में हम लेखन से संबंधित कार्यों को हम देखेंगे और साथ साथ वाचन से संबंधित कार्य को भी हम इस भाग में देखेंगे। तो चलिए आज के इस शिक्षण में भाषा कौशलों का विकास भाग दो में हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी को पता है वाचन होता क्या है, यानी पढ़ना क्या होता है। वाचन का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। जीवन में पग पग पर इसकी आवश्यकता हमें पड़ती ही रहती है। जो व्यक्ति शिक्षित है उसके लिए वाचन तो एक बहुमूल्य वरदान के रूप में सामने आता है। जैसे किसी भी प्रकार की कोई पत्र पत्रिकाएं हो या फिर कोई अन्य घटनाएं हो जिसे हम पढ़ते हैं और उसका भाव समझते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हर क्षण इसकी आवश्यकता महसूस होती है। खासकर जो छात्र हैं, जो बालक हैं, कहा जाता है कि आज के बालक कल के नागरिक हैं, और ऐसे वैसे नागरिक नहीं बल्कि सभ्य नागरिक, क्योंकि आज का ही बालक कल का सभ्य नागरिक बनेगा। और एक जागरूक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते जो जो उत्तरदायित्व उसको निभाने पड़ते हैं उन्हें उसे पूरा करना चाहिए होता है। इसलिए एक बालक के लिए वाचन कला या फिर पढ़ने की कला जो है अतीव महत्वपूर्ण साबित होती है। ये जो बालक हैं, कल के जो नागरिक बनने वाले हैं, उन्हें सभा सोसाइटी आदि में जाना होता है, अभिभाषण देना होता है, अभिनंदन पत्र तथा घोषणाएं आदि भी पढ़नी होती हैं। इन सभी दृष्टियों से वह तभी सफल हो सकेगा जब उसे वाचन का पूरा ज्ञान होगा। वरना तो जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम समाज में अपना संदेश देना चाहते हैं उस समाज में जाने वाले उस संदेश को हम ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, कारण वाचन का ज्ञान ठीक से न होने के कारण। तो वाचन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? जैसे हमने सुनना बोलना इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को देखा है, उनके महत्व को हमने रेखांकित किया है, उसी प्रकार क्या वाचन की भी कोई विशेषताएं होती हैं? तो इस संदर्भ में पाश्चात्य विद्वान गेग इन्होंने कहा है, शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता को वाचन की विशेषता कहते हैं। मतलब जो शब्द हैं उन्हें ठीक रूप से उच्चारण करके बताने की जो कला है उसे हम वाचन कला के नाम से अभिहित करते हैं। माने जो ध्वनियाँ हैं, चाहे वो लिखित रूप से हों या फिर उच्चरित रूप से हों, उन्हें ठीक उसी प्रकार से पढ़ी जाए जिस प्रकार से उनको पढ़ने की शास्त्रीय पद्धतियाँ हों, उस प्रकार से पढ़ने की जो क्षमता है उसे हम वाचन कहते हैं। बालक ठीक प्रकार से वाचन कर सकते हैं या नहीं यह जानने के लिए केवल शब्दों के ठीक उच्चारण को महत्व न देकर वाचन की अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जैसी विशेषताएं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, केवल यदि कोई बालक ठीक से किसी गद्य को या पद्य को या फिर किसी अन्य विधा को अगर पढ़ लेता है तो केवल पढ़ने मात्र से वह पढ़ने में अच्छा लड़का है या फिर अच्छा बालक है ऐसा हम नहीं कह सकते। हम तुरंत उसके पढ़ने के अंदाज से जो है हम उसको खारिज नहीं कर सकते या फिर उसकी वाहवाही नहीं कर सकते, बल्कि
हमें दूसरी अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसकी हमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम तभी उन मान्यताओं तक पहुंच सकते हैं जब तक कि बालक ठीक प्रकार से उन ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाएगा और ठीक प्रकार से वाचन नहीं हो पाएगा। इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो इनमें सबसे पहली विशेषता है शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान। बालक को जब पढ़ने के लिए वह शुरू करता है तब उसे जो ध्वनियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनका ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसीलिए शब्दों की ध्वनियों का जो ज्ञान है, यह जो बिंदु है, यह वाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अभी तक केवल इसी के आधार पर ही यह निर्णय किया जाता था कि बालक वाचन क्रिया में कहाँ तक निपुण है, लेकिन इसी के आधार पर हम वाचन संबंधी पूरी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हम कक्षा कक्ष में ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं। कई बालक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब केवल पढ़ने मात्र से उन्हें उस भाषा का या फिर उस विषय का ज्ञान परिपूर्ण रूप में हो, ऐसा कतई नहीं होगा। इसलिए शब्दों की जो ध्वनियाँ हैं उनका ज्ञान छात्रों को होना अनिवार्य है, और बिना इसके हम वाचन कला को या फिर वाचन कार्य को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और विशेषता है, वह है शब्दों का अर्थ। मान लीजिए बच्चे को सुनना और बोलना बहुत अच्छे से आता है, साथ साथ वाचन की कला में भी वह प्रवीण है, लेकिन शब्दों का अर्थ यदि उसे पता नहीं है तो उसके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई शब्द वह केवल ध्वनियों के माध्यम से, मतलब हाँ इसे अ कहते हैं, इसे उ कहते हैं, इसे क कहते हैं, ऐसे यदि हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके अर्थों को यदि हम नहीं जानते हैं तो उसके पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसलिए शब्दों के अर्थ का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी बालक को वह जो पढ़ रहा है उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ उसे पता होना चाहिए, तभी तो वो उस टेक्स्ट को, उस कहानी को हो या फिर कविता को हो, किसी भी गद्य की विधा को पढ़कर आनंदित ले सकता है और उसके जो भाव है उसके भाव को वो समझ सकता है। इसलिए शब्दों का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब तक बालक ठीक ठीक रूप से शब्दों के अर्थों को ग्रहण नहीं करते तब तक वे पाठ में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए प्रत्येक शब्द का अर्थ बालकों को पता होना चाहिए। कक्षा कक्ष में हम देखते हैं कि मतलब थोड़ी देर के बाद बालक ऊबने लगते हैं। यह ऊब या तो नीरसता, मतलब उस विषय की नापसंदी के कारण हो सकता है, या फिर पढ़ने वाले जो श्रोता वक्ता हैं या फिर बोलने वाले जो वक्ता हैं उनके द्वारा बताए जाने वाले शब्दों का वे अर्थ ही नहीं जानते हों। मान लीजिए कक्षा कक्ष में हम तेलुगु भाषी छात्रों के सामने अगर अंग्रेजी फाड़ फाड़ करके हम लोग पढ़ रहे हैं, वे उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं, या तो वे आपके ऊपर हंसेंगे या फिर इधर उधर की बातें करेंगे या कक्षा के बाहर देखने का कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हें उन शब्दों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसलिए शब्दों का अर्थ हमें पता होना अत्यंत ज़रूरी है। इसके पश्चात हम आते हैं वाचन का ढंग। बालक के वाचन में विविधता होनी चाहिए, नवरसों का भाव उसके वाचन में दिखना चाहिए, नीरसता उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। बालक जब किसी गद्य या पद्य की विधा को जब पढ़ता है तो उसके वाचन का ढंग भी जो है उसके अनुकूल होना चाहिए, मतलब उसमें नवरसों की भी जो है अभिव्यक्ति हमें उसके वाचन से पता चलनी चाहिए। मान लीजिए कोई दुखद घटना है, उस दुखद घटना को हम पढ़ते समय हमारे हाव भाव ऐसे बदल जाने चाहिए कि श्रोता जो है, देखने वाले जो है, सुनने वाले जो है, उन्हें हमारे कहने का भाव जो है हमारी केवल भावनाओं से ही पता चल जानी चाहिए। इसलिए वाचन का जो ढंग है, उसकी जो लय है, उसकी जो गति है, शब्दों पर देने वाले तान अनुतान जितने भी है, अल्पप्राण महाप्राण, इन सभी चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम उन शब्दों को या फिर वाचन के तौर से जो है उनके अर्थ को हम समझा सकें, अन्यथा वह निरर्थक होगा। इसलिए यह अगर विदितता लानी है, वाचन में यदि विदितता लानी है, तो हमें जो है वाचन का जो ढंग है, उसकी जो पद्धति है, उस पर भी अवलंबन करना चाहिए। जैसे कोई क्रोध में अगर कुछ बोल रहा हो या फिर क्रोध बताने वाला कोई अगर संदर्भ अगर किसी की कहानी में या फिर
किसी पद्य भाग में पद्य भाग में आया हो, तो उस क्रोध को अभिव्यक्त करने की जो पद्धति है वो हमें आनी चाहिए। तब पढ़ते समय हमारे हाव भाव बदल जाने चाहिए। इससे कक्ष कक्ष का जो वातावरण है वह पूरी तरह से उसमें लीन हो जाएगा, अन्यथा छात्र जो है हमारा सुनना नहीं मानेंगे। इसीलिए कई कई कक्षाएं जो है बहुत ही मतलब रुचि से सुनते हैं, और कई छात्र जो है कुछ कक्षाओं को बिल्कुल निरसता से सुनते हैं। हो सकता है कि उसमें अध्यापक या फिर किसी छात्र को पढ़ने का वह ढंग पता नहीं है जिससे कि वो पढ़ना चाहिए। इसलिए वाचन का ढंग जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। उसके साथ साथ वाचन की जो विशेषताएं हैं उसमें अगला भाग आता है विराम चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में पंक्चुएशंस कहते हैं। भाषा भाषी क्षेत्र या फिर भाषा में या फिर भाषा शिक्षण में विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो तेलुगु हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, उसमें विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि विराम चिन्हों के माध्यम से ही हम किसी भी पाठ के भाव को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। विराम चिन्हों द्वारा जो है हम किसी भी पाठ के भाव को आसानी से समझ सकते हैं। जब तक बालक को विराम चिन्हों का पूरा ज्ञान नहीं होता, तब तक उस पाठ को ठीक से वह समझ नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक विराम चिन्हों का वह पूरी तरह से अवलोकन करके लिखते समय या पढ़ते समय उनका उपयोग नहीं करता है, तब तक उसके वाचन की जो विशेषता है वह ठीक से उभर कर सामने नहीं आती है। इसलिए विराम चिन्हों का जो है उचित प्रयोग हमें करने आना चाहिए, और उसे पढ़ने की कला कैसी हो इसका भी हमें एक संदर्भ आना चाहिए। तो ये जो विराम चिन्ह है उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे हम लोग। मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, और उसके तुरंत नीचे और एक उसी प्रकार का शब्द है, मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो। मतलब यहाँ पर मैंने कहा प्रिय जाओ मत, मत के बाद यहाँ पर जो है कॉमा दिया गया है, अर्धविराम दिया गया है, और उसके बाद तुरंत देखिए मैंने कहा प्रिय जाओ, जाओ के बाद यहाँ पर कॉमा दिया गया है, और उसके बाद मत बैठो। मतलब दोनों जो वाक्य हैं ये दोनों वाक्य दिखने में तो बहुत साधारण से हैं और एक सरीके ही हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए उस छोटे से अर्ध विराम के कारण जो है उसमें अंतर बहुत बड़ा हो गया है, उसका अर्थ ही पूरा बदल गया है। यानी पहले वाक्य को जब हम पढ़ते हैं उसमें कह रहे हैं कि हे प्रिय आप जाओ मत बैठे रहो, ये पहले वाक्य का अर्थ है, लेकिन दूसरे वाक्य में हमने अर्धविराम कहीं और लगा देने से अर्थ पूरा गबड़ गया और बन गया मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो। तो केवल एक छोटे से कॉमा के कारण जो है यहाँ पर पूरा अर्थ बदल जा सकता है। ऐसे भी नहीं, कई ऐसे भी शब्द हैं जो हम इस तरफ देखते हैं कि केवल एक अक्षर के या फिर अल्पप्राण महाप्राण के बदलने से, ऐसे पंक्चुएशंस के बदलने से जो है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो विराम चिन्हों का यहाँ पर विशेष महत्व करके बताया जा रहा है। उसी प्रकार स्पष्टता और रुचि, ये भी कुछ विशेषताएं हैं वाचन की। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते समय कोई मंत्रोच्चारण पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं लगना हमें। स्पष्ट रूप से हमें जो भी मतलब वर्ण पढ़ने हैं, जो भी शब्द पढ़ने हैं, जो भी वाक्य पढ़ने हैं, उन सभी का उच्चारण जो है स्पष्ट होना चाहिए, ताकि अंत में बैठने वाले छात्रों को भी हमें जो है क्या कहना है, हम क्या कह रहे हैं उसका वो अवलोकन कर सकें। इसलिए स्पष्टता की बात भी उसमें आ जाती है। उसके पश्चात एक और बिंदु है, वह है रुचि। तो वाचन में जो विशेषताएं हैं वो है रुचि की भी विशेषता होनी चाहिए। मतलब हमें जो नई बातें सीखनी है उसमें यदि हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर उसमें रुचि अगर हमारी नहीं रही, तो हम उस विषय को कोई भी अगर पढ़ाने से हम रस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से हम तैयार नहीं हैं उस विषय को सीखने के लिए। इसलिए रुचि का भी यहाँ पर महत्व रखा गया है, ताकि वाचन में सब लोग आनंद ले सकें। वाचन के दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, एक सस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। तो चलिए सस्वर वाचन क्या है देखते हैं। वाचन के प्रकार दो हैं मुख्य रूप से, वह है सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है, जैसे कि उसके शब्द में ही है,
आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तब यह बातें पूरी आपको खुल जाएंगी, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा पहले से। सस्वर वाचन में देखिएगा, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है, और यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। दर्शकों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते समय थोड़ी सी तार्किकता को अपनाना है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि वाचन में सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, या फिर वाचन कौशल में सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है। तो ये है सस्वर वाचन की, न कि मौन वाचन की। इसलिए ऐसी बातें जो है आप थोड़े से याद करके रखें। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? और आपका उत्तर होगा सस्वर वाचन के माध्यम से। मतलब यहाँ पर जो है वर्णमालाएं जो हैं उसकी जो वर्ण है उन वर्णों को पहचानने की जो लिपिबद्ध पद्धति है इस सस्वर वाचन के माध्यम से ही हम उसको ठीक से कर सकते हैं। तो सस्वर वाचन की कुछ विधियां हैं। इन विधियों के माध्यम से हम कक्षा कक्ष में हो, या फिर कक्षा कक्ष से बाहर हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर भी इसे हम लोग लागू कर सकते हैं, जिससे सस्वर वाचन में हम निपुण बन सकते हैं। जैसे इसमें है स्वरोच्च विधि। स्वरोच्च विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनि से है। इस विधि में शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है। स्वरोच्च विधि में जो है शब्दों का और अक्षरों का ध्वनि से बहुत घनिष्ठ संबंध बताया गया है, क्योंकि इस विधि में शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है। हम किसी वक्ता को जब सुनते हैं उसके द्वारा कहे जाने वाले बातों को हम जब सहमत होते हैं या असहमत होते हैं उसकी प्रतिक्रिया हम तुरंत दे सकते हैं। कब? जब तक कि उसके द्वारा बताई गई बातें या फिर उसके द्वारा उच्चारण की जाने वाली शब्द या वाक्य वे स्पष्ट हों। इसलिए स्वरोच्च विधि में जो है संबंध, इसका जो संबंध है अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से है। शब्दों तथा अक्षरों की ध्वनि का संबंध इस विधि से है। कौन सी विधि? स्वरोच्च विधि। इस दृष्टि से भारतीय भाषाएं अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक आगे हैं। भारतीय भाषाओं में एक अक्षर की एक ही ध्वनि होती है। यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की गई है। भारतीय भाषाएं जो होती हैं उनमें केवल एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि का प्रयोग मिलता है या फिर किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसी नहीं है। उसमें एक ही अक्षर को कई अलग अलग अक्षरों से या ध्वनियों से हम संबोधित करते हैं। इसलिए यह जो सस्वर वाचन की जो पहली विधि है उसमें यह बात बताई गई है कि जिसमें स्वरोच्च विधियाँ को अपनाई जाती है वह भारतीय भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, और उतनी कठिन भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अक्षर के लिए एक ही ध्वनि निर्धारित की गई है, दो दो तीन तीन ध्वनियाँ नहीं हैं। इसलिए पढ़ते समय बड़े ही आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं और उसको अभिप्रायित कर सकते हैं। देखो और कहो विधि। इसमें देखो है, इस विधि में न तो पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और न ही उसकी ध्वनियों का। इस विधि में चित्रों का उपयोग होता है। यह पद्धति बड़ी आकर्षक और रोचक है। देखो और कहो विधि जो है लगभग आज भी प्रायः सभी कक्षाओं में या फिर सभी पाठशालाओं में अपनाई जाती है। तो इस विधि में थोड़ी सी अंतर यह है कि इस विधि में न तो पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है और न ही उनकी ध्वनियों का। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में चित्रों का उपयोग किया जाता है, और चित्र इतने बड़े होते हैं कि बच्चा किसी भी प्रकार के किसी भी सामाजिक दायरे में रहता हो उन चित्रों को पहले से ही देखा और महसूस किया हुआ होता है। इसलिए उसे देखते ही वह उसके नाम को दोहराएगा। इस प्रकार से न तो वो अक्षरों को जाना पहले और न ही उसकी ध्वनियों को पता, फिर भी वो अनजान होते हुए भी, मान लीजिए आम, हम हमारे घर में कई लोगों के द्वारा बोलते समय यह सुनते हैं,
और चूंकि हमारे आसपास कई सारे पेड़ होते हैं इसलिए हमें उसके बारे में पता है। ज़रूरी नहीं कि आम इस शब्द का उच्चारण करने के लिए और अर्थ जानने के लिए ही आप पढ़ाई के लिए स्कूल में जाओ। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कई विधियां हैं जिनमें अनायास रूप से हम बच्चों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी जो है हम अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं। इसलिए देखो और कहो विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि और आकर्षक साथ साथ रोचक विधि मानी गई है, क्योंकि बालक इसमें बहुत इच्छुक होकर जो है भाग लेते हैं। आजकल हम बहुत सारे पाठशालाएं देख रहे हैं जिन्हें प्ले स्कूल के नाम से संबोधित करते हैं। वहां पर केवल खेलना ही नहीं बल्कि खेल खेल के माध्यम से जो है उन्हें नए नए पाठों को या फिर नई नई बातों की जानकारी वहां पर दी जाती है और यह बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसलिए देखो और कहे विधि में जो है बालकों को कुछ चित्र दिखाते हैं, उनसे संबंधित ज्ञान उसको पहले से ही हुआ तो होता है और उसके मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर वह उस चित्र के नाम को आसानी से बता देता है। इस प्रकार यह जो है प्रक्रिया सतत आगे चलते रहती है। और दूसरी कौन सी विधि है, चलिए हम देखते हैं। अक्षर बोध विधि, यह संसार की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। संसार में जितने भी मतलब शिक्षा से संबंधित विधियाएं हो उन सब में अक्षर बोध विधि काफी प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पर एक और शब्द प्रश्न का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा मैं कि संसार की कौन सी विधि अतीव प्राचीन विधि है। कई सारे ऐसे पद्धतियां या फिर विशेषताएं दे सकती है जिनमें से आपको इसके उत्तर को ढूंढना है, अक्षर बोध विधि। इसलिए यह जो पद्धति है, यह वाचन की जो पद्धति है उसमें जो है यह बहुत ही प्राचीन है। इस विधि के द्वारा क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। तो इसमें किस प्रकार से अध्ययन होता है, इसका मतलब है इसमें वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान मतलब वर्णमाला में जितने भी ध्वनियां हैं जितने भी अक्षर हैं उनका अलग अलग प्रकार से जो है ज्ञान बच्चों को कराया जाता है। जैसे कई पाठशालाओं में हम लोग देखते हैं कि मतलब कक्षा कक्ष में बच्चे आते ही उनको तुरंत लिखवाना या फिर ना किसी प्रकार का बड़ा बड़ा कार्य देना यहाँ पर करने का हम लोग देखते हैं अक्सर है। लेकिन यह जो उपक्रम है यह गलत है, क्योंकि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं उनके अनुसार उन्हें खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना ही उत्तम ऐसा मार्ग बन जाता है। लेकिन अक्षर बोध विधि इसको जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों को बिल्कुल उसी प्रकार से समझाना चाहिए, वर्णमाला के छोटे छोटे अक्षरों को उन्हें बताना चाहिए, चित्रों के माध्यम से बताने चाहिए, ताकि बच्चे जो है रुचिपूर्ण माध्यम में नई बातों को सीख लें, अन्यथा वे उस कार्य को करने में अनिच्छित रहेंगे। उसके पश्चात आता है अनुकरण विधि। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, अनुकरण करना, देखना और करना। इस पद्धति में अध्यापक एक-एक शब्द कहता जाता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते चलते हैं। हिंदी भाषा में इस विधि का कोई खास महत्व नहीं है। अनुकरण करना, एक व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा बोल रहा है, जिस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर रहा है, हम भी उसी प्रकार के ध्वनियों को या फिर उसी प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना और नई बातों को सीखना। एक अध्यापक वर्णमाला के ध्वनियों को एक एक करके पढ़ता है, बालक उनका अनुकरण करते हैं और नई बातों को सीख लेते हैं। तो इन सभी विधियों में जरूरी नहीं कि मतलब ये पूरे के पूरे जो है हमें सहकार्य करते हों। जैसे अभी ये जो अनुकरण विधि है, हिंदी भाषा में इस विधि का कोई खास महत्व नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर सिखाने वाली जो भाषा है तेलुगु राष्ट्र में, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है वह है कि मतलब महाप्राण और अल्प प्राण में वे अंतर नहीं कर पाते हैं। इस एक बात को यदि छोड़ दें तो अंग्रेजी की तरह इसमें अलग अलग वाक्यों को या फिर अलग अलग शब्दों का अलग अलग उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए इस भाग में अनुकरण विधि में जो है हम देख सकते हैं कि बालक उस शब्द की ध्वनि को अनुकरण करते हैं जिन्हें अध्यापक पहले से कह रहे हैं या फिर दोहरा रहे हैं। उसके पश्चात है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य मतलब समान विधि। इस विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने वही शब्द रखे जाए जिनकी ध्वनियों में समानता हो। ध्वनि साम्य सरीखे, साम्य में सरीखे, एक जैसे। तो ऐसी जो ध्वनियां हैं जो लिखने में भले ही अलग अलग हों
लेकिन जब उसका उच्चारण हम सुनते हैं, वह उच्चारण लगभग एक जैसा लगे। ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे शब्दों के माध्यम से पढ़ाने की कला को ध्वनि साम्य विधि करके हम लोग संबोधित करते हैं, जिसमें कई प्रकार के शब्द लगभग एक ही अवस्था में वहाँ पर ध्वनियों में समानता आते हुए उसको देख सकेंगे। इसलिए ध्वनि साम्य विधि भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो धर्म, मर्म, गर्म, कर्म, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को पढ़ते समय हम देखेंगे या फिर लिखते समय देखेंगे कि उन्हें लिखने की जो कला है, उन्हें उतारने की जो कला है, वो भले ही अलग है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण सुन रहे हैं, उच्चारण सुनते समय वे लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ध्वनि साम्य विधि की बात हम करते समय याद रखना चाहिए कि पहले छात्रों को समान रूप से दिखने वाले और समान लगभग ध्वनि उच्चारण होने वाले शब्दों को पहले सिखाए जाए, ताकि उन दोनों के अंतर को वह समझ सकते थे। लेकिन यह जो विधि है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि मान लीजिए अहिंदी भाषी राज्य होने के कारण यहाँ पर हिंदी की शुरुआत 5वीं या 6वीं कक्षा से की जाती है। कॉर्पोरेट स्कूल में तो बहुत जल्दी की जाती है, फिर भी यहाँ पर मान लीजिए हम 5वीं कक्षा से हिंदी को आरंभ कर रहे हैं। इस तत्व में यह देखा जाता है कि कई सारे ऐसे बालक होते हैं, वे अभी भी बात करने के लिए या फिर लिखने के लिए वे राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कई भौगोलिक परिस्थितियाँ या फिर सामाजिक परिस्थितियों से वो घिरे हुए रहते हैं। इसलिए ध्वनि साम्य विधि जो है छोटे उम्र वाले छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह जो विधा है, इस विधा को जो है ठीक से हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे विधियां हैं, उनमें सामूहिक पठन विधि भी एक है। सामूहिक पठन मतलब कई सारे बच्चों को अलग अलग खेमों में बांटकर, अलग अलग विभागों में बांटकर उनसे पठन करवाना या फिर वाचन करवाना। इससे क्या होता है, जो छात्र गलती को कर रहा है या फिर गलत गा रहा है, गलत पढ़ रहा है, उस गलत पढ़े हुए बच्चों को हम लोग बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि संभव हो तो उसको उस शब्द का अर्थ या फिर उस शब्द के उच्चारण को भी हम लोग बता देते हैं, ताकि वह आगे जो है ऐसी गलती फिर से न करें। इसलिए सामूहिक पठन विधि भी जो है वाचन विधि को या फिर वाचन कला को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। उसके बाद भाषा शिक्षा यंत्र विधि। भाषा शिक्षा यंत्र विधि, इसमें टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम कुछ शब्दों को या वाक्यों को या छोटी छोटी कहानियों को, छोटी छोटी गीतों को हम छात्रों को सुनाते हैं। सुनते समय छात्र उसका अनुकरण करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, मतलब इससे स्पष्ट उच्चारण का भाव हमें पता चलता है। छात्र निरसता में नहीं डूबेंगे, छात्रों में उल्लास होगा और हमारा जो पाठ है सफल बनने की कगार पर होगा। इसलिए अन्य ध्वनियों में विधाओं में हम देख रहे हैं कि सामूहिक पठन पाठन का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और शिक्षा या भाषा शिक्षा यंत्र विधि में भी इसका उपयोग है। उसके बाद जो दूसरी विधि है वह है साहचर्य विधि। साहचर्य मतलब हमारे द्वारा या फिर हमारे कक्षा कक्ष में हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हम किन लोगों के साथ दोहराते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मतलब अच्छे मित्र के साथ या फिर अच्छे व्यक्ति के साथ यदि रहने से हम अच्छे गुण उनसे सीख सकते हैं। इसलिए साहचर्य विधि का भी यहाँ पर अनुपालन हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए कक्षा कक्ष में जब यह बात होती है कि एक छात्र एक पाठ को अलग अंदाज में पढ़ता है, वही दूसरा छात्र उसी पाठ को दूसरे अंदाज में पढ़ता है। इसका कारण यही है कि वे जो हैं इस साहचर्य विधि के माध्यम से सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने वाले या फिर पढ़ने वाले लोगों का अनुकरण करते हैं, और इस अनुकरण के माध्यम से जो हम बातें आगे कह सकते हैं वे जो है सभी उपयुक्त होगी। इसलिए कक्षा कक्ष में जो सुंदर हस्ताक्षर लिखते हैं या फिर सुंदर तरीके से पढ़ते हैं या बहुत अच्छे से सुनते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को जो है सब लोग चाहने लगते हैं और सब लोग उनसे मित्रता करने लगते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, और एक विधि है वाक्य शिक्षण विधि। वाचन कला में छात्रों को निपुण बनाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि का भी उपयोग किया जाता है। वाक्य शिक्षण मतलब वाक्यों को लिखवाकर छात्र छात्राओं को उसे पढ़ने के लिए कहना, और अध्यापक उसका दिशा निर्देशन करते रहना चाहिए।
ताकि जहाँ वे गलती कर रहे हैं वहाँ तुरंत उनको रोक कर कि इस ध्वनि को इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है या किया जाना चाहिए, इसकी सूचना जो है हम उन्हें देना है। उसके बाद कहानी विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद रहता है, वे बहुत अच्छे से उल्लास होकर पढ़ते हैं, इसलिए छात्रों को कहानी के माध्यम से, कहानी पढ़ते समय उन्हें कौन कौन से शब्दों के नए नए प्रयोग मिल रहे हैं, कौन कौन से शब्दों को किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, ये पढ़ते समय ध्यान देते हुए वे इस कार्य को बहुत ही उल्लासित करते हैं। इसलिए कहानी विधि का भी प्रयोग हम वाचन कला में निपुण बनाने के लिए हम छात्रों के सामने कर सकते हैं। तो ये थी अन्य विधाएं जिसमें वाचन कला की किस प्रकार से हम लोग उपयुक्तता ला सकते हैं इसको बताया गया था। जैसे हमने कहा वाचन के दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन का अर्थ हमने देखा कि मतलब ध्वनि चिन्हों को स्वरों के माध्यम से पढ़ना, और उसके बाद है मौन वाचन। जैसे कि हम उसके अर्थ से ही, उसके शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है, मौन यानी बिना बात किए हुए, साइलेंस जिसे हम लोग कहते हैं। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज किए पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। मतलब कक्षा कक्ष में हो या फिर कहीं और हो, मौन वाचन की विशेषता इतनी बड़ी होती है कि जैसे सस्वर वाचन में अगर हम देखें तो उसमें कक्षा कक्ष में नियंत्रण कतई नहीं रहता है। इसलिए मौन वाचन जो है सस्वर वाचन की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें थकान भी नहीं होती है, बहुत कम थकान मिलती है। मान लीजिए सुबह से आप केवल पढ़ते जा रहे हो, सस्वर वाचन करते जा रहे हो हर विषय का, आप देखना थोड़ी देर के बाद आप थकान महसूस करने लगेंगे, क्योंकि उसमें अधिक शक्ति का उपयोग हमें करना होता है। उसके बदले, उसकी तुलना में मौन वाचन शांत स्वभाव से हम लोग कर सकते हैं। इससे एकाग्रता को भी हम कहीं न भटकने देने से जो है हम उसमें कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। इसलिए लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ किए पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ध्यान केंद्रित होकर पढ़ा जाता है, कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक होता है। सस्वर वाचन की तुलना में मौन वाचन महत्वपूर्ण होता है, और सबसे पहले जो है बालकों को मौन वाचन कराया जाना चाहिए या सस्वर वाचन, यहाँ पर हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। क्योंकि जब बालक पहली दफा कक्षा कक्ष में आता है या फिर पढ़ाई करता है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं रहता है, और अक्षर ज्ञान नहीं होने के पक्ष में हम अगर उसे कह दें कि चलो सस्वर वाचन नहीं, आप मौन वाचन कीजिएगा, यह कार्य भी असाध्य होगा। जब कोई छात्र छात्रा कोई भी हो, शब्दों के अर्थों को, उसके विराम चिन्हों को ठीक से भली भांति जान सकेंगे, तभी वे मौन वाचन की ओर मुड़ेंगे। और ये सब बातें आपको पता होगी कि मतलब सस्वर वाचन की तुलना में मौन वाचन के अध्ययन में यह देखा गया कि मौन वाचन करते समय कोई भी वक्ता हो, कोई भी छात्र हो, कोई भी छात्रा हो, अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ता है। सस्वर वाचन में ऐसा कतई नहीं होता है। और जैसे कि हमने कहा, सस्वर वाचन में कक्षा में अनुशासन नहीं होता है, मौन वाचन में होता है। मौन वाचन में थकान बहुत कम आता है, लेकिन सस्वर वाचन में बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। सस्वर वाचन में ध्यान केंद्र नहीं कर सकते हैं पढ़ाई पर, लेकिन मौन वाचन में जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जो गद्य या पद्य हम पढ़ रहे हैं, उस पर हमारा केंद्र रहता है, हम उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके भाव को समझते हैं, लेकिन सस्वर वाचन में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वाचन की तुलना, सस्वर वाचन की तुलना मौन वाचन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मौन वाचन के भेद, मौन वाचन के यहाँ पर दो भेद गिनाए गए हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। द्रुत का अर्थ है रैपिड, मतलब बहुत जल्द गति से, बहुत फास्ट गति से बोलना। जैसे गंभीर वाचन, गंभीर उसके शब्द में ही बताया गया कि वो एकदम गंभीर अध्ययन उसमें होता है। जैसे आलोचक है किसी एक कृति का, चाहे वो साहित्यिक हो या फिर किसी और कृति का, जब हम आलोचना करते समय पढ़ते हैं या फिर आलोचना करते हैं तो उसमें गंभीर भाव उसमें लिखे हुए थे, समाज से संबंधित, समाज के लोगों से संबंधित जो उसमें विश्लेषण होता है, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में अपने मन के भावों को उसमें लिखा गया होता है। इसलिए गंभीर अध्ययन या फिर गंभीर वाचन करते समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं
उसे कितने मायने में या फिर किस मायने में हम उसको देख सकते हैं? क्या वो गंभीर रूप से पढ़ रहे हैं, या फिर हंसी खुशी से पढ़ रहे हैं, या फिर बस दिल बहलाव के लिए, मन बहलाव के लिए पढ़ रहे हैं? इसलिए गंभीर वाचन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमको दिखता है। साथ साथ है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन में जो है किसी गद्य भाग को या पद्य भाग को इतनी जल्दी से पढ़ा जाता है, कभी कभी इस विधि का ऐसा मतलब असर पड़ता है कि जो पढ़ते हैं उसके अर्थ को या फिर उसके भाव को हम बिना समझे ही आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इतने रैपिडली वो एक्शंस होते रहते हैं। इसलिए मौन वाचन जो है सस्वर वाचन की तुलना में भले ही मतलब सफलदायक हो या फिर आरामदायक हो या फिर फायदेमंद हो, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। जैसे जब यह कार्य किसी छोटी कक्षा के छात्रों को देते हैं, या तो वो पढ़ रहे होते हैं असल में, या फिर न पढ़ते हुए किसी दूसरे काम को करते हैं, क्योंकि मौन रहना है, शांत रहना है, इसलिए यह जो कार्य है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। उसके पश्चात आते हैं लिखना या लेखन। जैसे हम सभी को पता है कि हम अपने मन के भावों को दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, एक मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप से। मौखिक रूप से बताई हुई बातें अगले वाले को कुछ हद तक, कुछ कार्य तक या कुछ काल तक जो है वो स्मरण में रख सकता है, लेकिन उसे सालों साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक उसको स्टोर करके या फिर समा कर या संजो कर वह नहीं रख सकता। इसलिए कहा जाता है कि मतलब भारतीय संस्कृति हो या फिर किसी भी अन्य देश की संस्कृति हो, उसे यदि हमें देखना है या फिर उसे यदि हमें पढ़ना है तो उनके साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य जो है लिखित रूप में रखा गया वो एक दस्तावेज है। अतः व्यक्ति अपने विचारों व मन के भावों को दो प्रकार से अभिव्यक्त करता है, बोलकर और लिखकर। उच्चरित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लिखना है। बहुत ही साधारण सी परिभाषा इसमें दी गई है, परिभाषा है उच्चरित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लिखना है। हम तो यादृच्छिक रूप से जो उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, उन शब्दों के प्रतीकों को या फिर उन प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख से उच्चरित हो रही हैं, यानी उच्चरित ध्वनियों के प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना हम लिखना कह सकते हैं। दूसरी एक परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे, परिभाषा है भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना लिखना है। लेखन क्या है या फिर लिखना किसे कहते हैं? इसका अगर हम उत्तर देना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों का लिपिबद्ध करना, भाषा की ध्वनियाँ जो है उसे लिपिबद्ध कर देना ही लिखना है। मोंटेसरी का कथन है कि बालकों को पहले पहल लिखना ही सिखाया जाए, क्योंकि यह वाचन की अपेक्षा सरल होती है। इस मत के कई सारे विभेद भी हैं, कई सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं, कई सारे लोग इसको इसके पक्ष में भी खड़े होते हैं, लेकिन एक बात जायज है। मान लीजिए बच्चे को हम पहले लिखना सिखा रहे हैं, मान लीजिए 3-4 साल का लड़का है, उसे जब हम कोई लिखने के लिए सिखा रहा है तो उसकी हाथों में या फिर उसकी कलाई में उतनी अभी ताकत नहीं आती है कि उसको जब लिखते समय अपने हाथ को या फिर अपने कलाई को उस दिशा में घुमा सके, उसकी मांसपेशियां उतनी अभी मजबूत नहीं हुई होती हैं ताकि वो किसी भी प्रकार के अक्षरों को निकाल सके। और यह जो विधि है मलयाली भाषा सिखाने में तो बहुत ही मतलब अवघड़ मानी जाती है, बहुत ही कठिन मानी जाती है, क्योंकि उसमें इतने मतलब घुमाव फिराव होते हैं कि आप उसको जब तक आप उसके ये नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक उसको लिखना असंभव सी बात है। इसलिए कहा गया है कि भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध कराना या करना लिखना होता है। और मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालकों को सबसे पहले लिखना ही सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि यह वाचन की अपेक्षा सरल होती है। वाचन करते समय हमें पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, जो वर्ण हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों का हमें पूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, उसके अर्थ को हम जान लेना चाहिए, तभी जो है हम इसको ठीक रूप से कर सकते हैं। लेखन का क्या महत्व हो सकता है? क्या जीवन में हमारे लेखन का भी कुछ महत्व है? जी हाँ, बिल्कुल महत्व है। वे हैं, उसका महत्व है भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए हमें लेखन का महत्व करना है।
साथ साथ भाषा की शुद्धता के लिए भी हमें लेखन कला में पारंगत बनना है। संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हमें लेखन का महत्व याद रखना है, क्योंकि एक देश की, किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, उसका रहन सहन, उसके आचार विचार, ये सब जो है कालांतर में भूल जा सकते हैं लोगों द्वारा। भूले अगर नहीं गए हैं तो उसको हम लोग जो है याद नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। इसलिए उन सभ्यता और संस्कृति को यदि हम लिखित रूप में, किताब के रूप में अगर लिखते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चलते रहती है। इसलिए लेखन के महत्व में संस्कृति के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात है बालकों में लेखन की जिज्ञासा उत्पन्न कराने के लिए आदि। हर कोई बालक अपने अपने उम्र के लिहाज से, अपनी कक्षा के अनुसार वह लिखना सीख ही जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई लड़का बिल्कुल छोटा है और वो लिख सक रहा है या लिख पाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई बालक बड़ा है फिर भी वह नहीं लिख पा रहा है, तो ये उसके उम्र के लिहाज से नहीं होता है, बल्कि वह जब अपने आप को पारंगत समझता है, हाँ मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा जब वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह किसी भी अवस्था में मानसिक रूप से तैयार होकर उन ध्वनियों को, उन अक्षरों को लिखता है जिन ध्वनियों को हम उसे लिखने के लिए कहते हैं। इसलिए यह जो बालकों में लेखन की जिज्ञासा उत्पन्न करने की जो बात है वह भी सही साबित होती है। तो लेखन की कला में हमें पारंगत बनाने के लिए कई ऐसे कार्य करने होते हैं जिसका हमें ज़रूरी होता है। बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाए? हम अमूमन यह देखते हैं कि बालक जो है सबसे पहले किसी अक्षर को ही निकालने के लिए कहते हैं, या फिर हम जो अभिभावक होते हैं हम बालक को सबसे पहले अ या आ या फिर स्वर लिखकर जो है उसको उस पर फेरने के लिए बोलते हैं, लिखने के लिए कहते हैं। लेकिन यह पद्धति सरासर गलत है, क्योंकि बालक अभी उन वर्णों को पहचान ही नहीं पाता है तो वो उतनी सुंदर अक्षर में कैसे लिख सकेगा। इसलिए उसे सबसे पहले आड़ी तिरछी रेखाओं को निकालने के लिए कहना चाहिए, उसके मन में जैसे आए वैसे लिखने के लिए कह देना चाहिए, चाहे वो कापी पर हो या फिर स्लेट पर हो। इससे उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसकी कलाई की जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत होती है वो घुमावदार बनने के लिए। इसलिए आड़ी तिरछी रेखाएं, थोड़े से वृत्ताकार की रेखाएं, थोड़े से उल्टे वृत्त की आकार की रेखाएं, या फिर जैसे कुछ अलग अलग चिन्ह के द्वारा जो है उसको लिखने की हमें आदत करवानी चाहिए। इसको लिखने से जो है बालक के मांसपेशियां थोड़े से मजबूत होकर जो है वो किसी भी तरह के कार्य करने के लिए वह रेडी होता है, वह सीखता है। लिखना सीखने की कुछ विधियां भी है जो इस प्रकार से हैं। पहली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण, जैसे कि उसके अर्थ से ही हमें पता चल रहा है कि मतलब हम उसको फॉलो करना, हम उसका अनुपालन करते हुए सीखना। इसे दो रूप में लिखा जाता है, पहला है रूपरेखा अनुकरण विधि और दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि में मुद्रित पुस्तकें होती हैं, जैसे हम कक्षा कक्ष में देखते हैं कि कई सारे लड़के जो है डॉटेड लाइंस के बने हुए ऐसी कुछ कापियां लाते हैं, उनको ही कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। और छात्र करते क्या है कि उन अक्षरों पर अपनी पेंसिल से या फिर पेन से जो है उसको अनुकरण करते हुए वे लिख देते हैं। इसलिए अनुकरण विधि का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें माना जाता है लेखन सीखने की विधियों में। दूसरा जो प्रकार है वो स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है कि किसी मुद्रित पाठ्य पुस्तक के बजाय हम स्लेट पर या कापी पर या फिर श्यामपट पर जो है अक्षरों को निकालते हैं, उन अक्षरों पर छात्र जो है कलम से या फिर चौक पे से दोबारा लिखते हुए उसका अभ्यास करता है। इससे जो है लिखने के कौशल को हम लोग उसको निरंतर बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो विधि है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में सभी इंद्रियों का, सभी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे आँख, कान आदि ज्ञान इंद्रियों का। तो इसमें होता यह है कि सबसे पहले इस विधि में एक चित्र को बताया जाता है, चित्र को देखने के पश्चात आँखों से बालक उसके नाम को भी सुन लेता है। जब अध्यापक चित्र को बताते हुए हाँ यह आम का चित्र है ऐसा जब कहता है और वो दिखाता है, तो वो आँखों से आम के चित्र को देखता भी है, साथ साथ इस चित्र को आम कहते हैं करके वह सुन भी लेता है। और तीसरी अवस्था में आम करके जब हम लिखते हैं तो वो थोड़े से बोल्ड अक्षरों में और खुरदरे होते हैं और उसको स्पर्श के माध्यम से, अच्छा ये अ है। इस प्रकार से मोंटेसरी विधि में
तीनों अलग अलग विधाओं से हम यह लेखन कार्य के लिए सीखते हैं, जिसमें आँख कान जितने भी इंद्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन सब का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। एक और लेखन की विधि है, वह है पेस्टोलॉजी। वर्णों की आकृति को खंड खंड करके लिखना सिखाया जाता है। इसमें जो वर्ण होते हैं, जैसे म है, म को लिखाने की इसमें पद्धति क्या होती है कि सबसे पहले तो आप एक पूर्ण विराम निकालिए, उसके पश्चात एक और पूर्ण विराम निकालिए, या फिर आप 11 को निकाल सकते हैं, 11 को, उसके बाद जो है आप एक छोटी सी मात्रा लगाकर जो है, एक छोटा सा टर्म लेकर जो है, म भ ऐसे अलग अलग ध्वनियों को या फिर अलग अलग वर्णियों को सिखा सकते हैं। इसलिए पेस्टोलॉजी ने जो है यह अपने आप में और बालकों में जो है विकास करने के लिए महत्वपूर्ण विधा मानी है लेखन कला के अंतर्गत। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, एक और विधि है जैक टाट विधि। इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है, अध्यापक लिखकर दिए गए किसी वाक्य को या फिर शब्द को वह तुरंत लिखने की कोशिश करता है। लिखने के पश्चात अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को, वाक्यों को और अध्यापक द्वारा लिखे गए वाक्यों और शब्दों का परस्पर मेल करता है। जहाँ पर त्रुटियाँ हो, जहाँ पर उसने गलतियाँ की हो, उसका वह स्वयं संशोधन करके वह पुनः ऐसी गलती न होने की चेष्टा करता है। मतलब जैक टाट विधि में एक बालक स्वयं अध्यापक का कार्य कर देता है, गलतियाँ निकालना और उसे सुधारना, यह अपने आप से चलने वाली कुछ काम है। इसलिए जैक टाट विधि जो है हम भी अपना सकते हैं, बशर्ते कि हमारे द्वारा लिखे गए जो शब्द हैं या फिर वर्ण हैं या अक्षर हैं, जो भी हो, वे किसी प्रकार के भी त्रुटिपूर्ण न होने चाहिए, उसमें वर्तनी दोष नहीं होने चाहिए, अन्यथा बालक भी उसी को दोहराते हुए जो है हमेशा के लिए वो उसी प्रकार का लेखन कार्य शुरू कर देता है। इसलिए लिखते समय हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमारी वर्तनी दोष कम हो, बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बताई गई बातें जो है हास्यास्पद न लगें। इसलिए जैक टाट विधि को भी जो है महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। तो लेखन की विधियों में सुलेख या सुलिपि भी एक आता है। सुलेख मतलब अच्छा लेख, सुंदर लेख या सुंदर लेखन। व्यक्ति जब सुंदर ढंग से लिखता है तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। इसे हम बहुत अच्छे उदाहरण से जान सकते हैं। मान लीजिए आपने एक परीक्षा रखी, नए नए आने के पश्चात, परीक्षा लिखने के पश्चात सभी लोगों ने अपने अपने कापियों को आपके सामने जमा कर दिया। आप जब उसको जांच रहे होते हैं और जब किसी छात्र या छात्रा का हस्ताक्षर बहुत ही सुंदर होता है तो आप तुरंत उसे जो है बहुत पसंद करने लगते हैं और पूछते हैं कि यह किसने लिखा। मतलब लेखन की विधि में सुलेख का इतना महत्व होता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। जिसका हस्ताक्षर खराब है, बिगड़ी हुई है, उससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने जो है बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी या रोक दी। इसलिए गांधी जी के उस कथन को याद रखते हुए हम लेखन कला में पारंगत बनने की कोशिश करना चाहिए। सुलिपि में यही होता है कि मतलब किसी पाठ्य पुस्तक में या फिर पहले से मुद्रित पुस्तकों में जो है हम कुछ वाक्यों को लिख कर देते हैं या फिर लिखे हुए वाक्य के नीचे हम उसी को दोहराते हैं। ये केवल अनुकरण पाठ का ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे अनुकरण में अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों को, वर्णों को हम लोग अनुकरण करते हुए लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी यही होता है कि सुलेख मतलब अच्छे एक लेख को किसी पत्र पत्रिकाओं में, किसी किताब में या फिर किसी अन्य माध्यम से देख कर जो है हम उसको लिखते हैं। दूसरी एक और विधि है, वह है अनुलिपि विधि। बालकों द्वारा अध्यापक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करना हम अनुलिपि में कहते हैं। अनुलिपि जो है सुलेख लिपि का ही एक विकसित रूप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अध्यापक के द्वारा जो आदर्श लेखन किया गया होता है श्याम पट पर, उन श्याम पट पर के माध्यम से जो है बालक उसको दोहराते हुए उस कार्य को पूर्ण करता है, इसलिए वह जो है अनुलिपि कहलाता है। छात्र जब कक्षा कक्ष में होते हैं, सामूहिक कार्य जब हम उनको देते हैं, तब इन कक्षा कक्ष कार्यों में जो है अनुलिपियों को लिखने की उनको हम अभ्यास करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रक्रिया है, चाहे वो वाचन की हो, लेखन की हो, मौन वाचन से संबंधित हो, सुनने से संबंधित हो, इनका जो अभ्यास है वो हम सतत करते समय से जो है यह हम निश्चित कर सकते हैं।
जैसे कहते हैं कि मतलब संस्कृत में एक कहावत है, पाक्षिको वैयाकरण, मतलब हर 15 दिन को व्याकरण का अभ्यास हमें करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। उसी प्रकार ये जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में हम भाषा को भी ठीक उसी प्रकार से पढ़ सकते हैं या फिर जान सकते हैं या पहचान सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को पहचान सकते हैं, जब तक कि हम उसके पूरे रूप से जानकार नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लेखन की विधियाँ बताई गई हैं उनमें सुलेख या सुलिपि या अनुलिपि ऐसे अलग अलग शब्दों से यहाँ पर अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो परीक्षार्थी यहाँ पर ध्यान रखें, ये जितने भी मतलब विधियाँ हैं उन विधियों में हर एक में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें। बुरी मतलब हम उनको तुरंत बच्चों के सामने उसको क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं, उनका बच्चों से हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। उनके स्तर, उनका जो लेवल है उस लेवल के अनुसार, उनके बौद्धिक विकास के अनुसार हम जो है समय समय पर बातों को बदलते हुए उनको देना चाहिए। न कि बच्चे आए हैं तो चलो उनको दे दो, उनका काम ही है लिखना, ऐसा अगर कहेंगे तो ये गलत सिद्ध हो। उसके पश्चात है प्रतिलिपि। ये थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जैसे ध्वनि साम्य विधि हमने पढ़ी थी, बिल्कुल ये भी ध्वनि साम्य विधि की तरह ही है। अनुलिपि, प्रतिलिपि, सुलिपि, ये सब जो है ध्वनि साम्य विधि के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा। यह अनुलिपि का ही विकसित रूप है। देखिए प्रतिलिपि क्या है, अनुलिपि का ही विकसित डेवलप्ड वर्जन है। उसमें क्या होता है कि किसी पत्रिका या पत्र पत्रिका या फिर पाठ्य पुस्तक में आए हुए अंश को छात्र लिखते हैं या फिर लिखवाया जाता है। और ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है कि बालक जो है नए नए शब्दों को सीखें, नए नए बातों को वो जाने, और वाक्य रचनाओं को हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लिखना जब आता है तो हम छोटे छोटे वाक्य बनाने का सीख ही लेते हैं। इसलिए वाक्यों को लिखने के लिए या लिखते समय किन किन पद चिन्हों का इस्तेमाल कर होता है, किन किन विराम चिन्हों का इस्तेमाल होता है, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग प्रतिलिपि के माध्यम से जान सकते हैं। यह कार्य प्राचीन मतलब प्राचीन नहीं, बिल्कुल कई मतलब 10-15 साल पहले जो है यह प्रतिलिपि का कार्य करवाया जाता था, आज भी करवाया जा रहा है, लेकिन इसकी मात्रा जो है थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है। छात्र कुछ कुछ छात्र जो है बहुत द्रुत गति से लिखते हैं, कुछ छात्र बहुत ही मतलब आरंभ के जो है वो लिखते हैं, इसलिए प्रतिलिपि में जो है थोड़ा सा अधिक समय लगते हुए भी, लेकिन उसमें छात्रों का बहुत अच्छे से अनुकरण करके सीखने का कार्य होता है। श्रुत लेखन, यह जो श्रुत लेखन है इस विधि में अध्यापक बोलते जाते हैं और बालक लिखते चलते हैं। इसमें सीतावाद्य जिसे हम ग्रामोफोन कहते हैं या फिर ध्वनि लेख यंत्र जिसे हम टेप रिकॉर्डर कहते हैं, इन सभी का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम इस डिक्टेशन करके हम लोग कहते हैं, अध्यापक बोलते रहते हैं शब्दों को, वाक्यों को, और छात्र जो है सुनकर लिखते हैं। यह उच्च कक्षा के छात्रों के लिए है, बहुत ही उपयोगी है। यदि हम इसे छोटी कक्षाओं में उपयुक्त करते हैं तो यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यह जो विधि है श्रुत लेखन की विधि, यह हायर सेक्शन में या फिर उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को हम इसको दे सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस कड़ी में हमने शिक्षण भाषा कौशलों का जो विकास है वह किस क्रमिक रूप से होता है इसका अध्ययन किया। आज के इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि लेखन और वाचन से संबंधित कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं, उनमें कौन कौन से दोष हो सकते हैं और इनके कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, इन सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया। एक नए अंक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विराम, शुभ रात्रि।